बेटा अगर गज या चींटी के साथ ऐसा होता तो हम लोग भी यही करते। अभी तो बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर देखा बेटा, इस मेंढक की वजह से आज हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। शाम बनी को आई है, अभी तक घर से गायब है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है बेटा। हाँ बाबूजी, फिक्र की तो बात ही है, पता नहीं कहाँ हो गए मेंढक के साथ। बाबूजी मेंढक मक्खी गई। बाबूजी मेंढक राजा जी जहाँ से वहां से दोनों साइड मेरे तरफ से नहीं चिल्लाए। हाँ हाँ दोनों साइड से मेंढक कहाँ था तू? ये बाबूजी चल के आए। मेंढक कहाँ गया था? और परी कहाँ है? होटल बाबूजी, अभी तक आपने प्यार वाला तरीका मेंढक को हैंडल किया है, नतीजा भी देख लिया, अब मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। देखिए आराम से। हाँ एक सेकंड, सॉरी गेटवे निकाल दूँ। सुनिए आराम से। मेंढक परी तुम्हारे साथ गई थी? मेंढक भैया वो परी तेरे साथ गई थी हाँ या ना? मेंढक हाँ भैया परी जी हमारे साथ गई थी। मेंढक तो अब परी कहाँ है? मेंढक पूछा। वो हम नहीं बता सकते भैया। मेंढक क्या? मेंढक हाँ हमने परी जी को वचन दिया है कि आप जहाँ जा रही हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। अब बाबू जी कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। देख मेंढक मेंढक सॉरी डालो पर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ले रहा है तू? सर पे देखा उसके ऊपर भाभी हमारे सर पे तो कोई पहाड़ नहीं है। मेंढक बता परी कहाँ है? मेंढक हम नहीं बताएंगे। मेंढक दो थप्पड़ मारूंगा हम फिर भी नहीं बताएंगे। बाबू जी चल के आए मेंढक की जगह पे। एक काम कर तू निकल जा मेरे घर से। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? ये आपका मेंढक प्रसाद है, ये बच्चा है बाबूजी, इसे नादानी हुई है लेकिन ये बेटा नादानी की भी एक हद होती है। ये नादानी नहीं गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। निकल जाओ मेंढक, तू घर से निकल जा। मेंढक बाबूजी हमारी बात तो सुन लीजिए। बाबूजी सबसे पहले जा और परी को लेकर आ। जब तक परी वापस नहीं आती तू भी इस चिड़िया घर में नहीं आना। बेटा आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे चिड़िया घर के संस्कार, पाठशाला, मेरी सिखाई हुई हर सीख सब बेकार गया, सब व्यर्थ कर दिया इस कदे के भाई मेंढक ने। शायद मेंढक रुक मेंढक साइलेंस थोड़ा लेफ्ट पीछे ये और थोड़ा पीछे अभी ले बस खुराना बस बाबूजी बस। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अरे अरे अगर परी को कुछ हो गया तो भाई साहब को क्या जवाब दूंगा? देखिए अब मुझे पुलिस को बताना ही पड़ेगा। एक सेकंड कुछ हो गया तो भाई साहब को क्या जवाब दूंगा? देखिए अब मुझे पुलिस को बताना ही पड़ेगा, मुझे माफ कीजिए बाबूजी। देखिए खुराना जी थोड़ी देर और इंतजार कर लेते ना, मेंढक गया है उसे। ओ जी और कितना इंतजार करूं? हैं थोड़ी देर में रात हो जाएगी,
तो ऑलमोस्ट लगभग अब मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। हाँ लेकिन बस घोटक रहा बस, तो बाबूजी का लिहाज करके अब तक चुप रहा मैं, और लेकिन अब नहीं रहूंगा मैं, आप लोगों की अब एक दल नहीं सुनने वाला हूं। मेंढक मैंने तुझे कहा था ना परी के लिए बगैर तू वापस मत आना, तेरी हिम्मत कैसे हुई अकेले आने की? आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, आज मैं बाबूजी यहाँ डर के मारे जान निकली जा रही थी, मैडक ने आज परी, अंकल जी दरअसल गलती मैडक की नहीं मेरी है, पापा ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा था ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती थी, और यहाँ से भागने के लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, वो मुझे मैडक के रूप में मिला। उस दिन दिवाली की रात को जब मैं चिड़ियाघर में आई थी फ्लैश, तो तब मैंने बेवकूफ इंसान को देखा, मैं समझ गई इसमें मैडक की कोई गलती नहीं है बाबूजी, उसके भोलेपन का मैंने फायदा उठाया है, उसने तो मेरे हर झूठ को सच माना और मेरी मदद की। देखा बाबूजी आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई, मैंने तो मैडम ऐसा है तो तुम वापस क्यों आ गई? कौन है? अगर ऐसा है तो तुम वापस क्यों आ गई? रोने लगी। मैंने जो मैडक के साथ किया शायद उसकी सजा मुझे मिली, बस स्टैंड पर सनी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने तो आया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम पैसे जेवरात सब लेके आई हो ना, तो मैंने उसको बताया कि नहीं।